जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आज हम यहां पर स्टार्ट करेंगे एडवांस मैथ्स। ठीक है, एडवांस मैथ्स जब नाम सुनते हैं तो बहुत सारे लोगों के माइंड में ये आता है कि ये बहुत कठिन पार्ट है मैथ्स का, या फिर बहुत सारे लोग ये समझते हैं, ये मानते हैं कि ये जो मैथ्स का पार्ट है एडवांस मैथ्स, ये ऊपर से जाता है। ठीक है, और बहुत सारे लोग एक दो क्वेश्चन करने के बाद में इस टॉपिक से गेट आउट हो जाते हैं, मतलब भाग जाते हैं। ठीक है, तो आज के बाद आपको ऐसा नहीं करना है, और ये वीडियो यदि सिस्टमेटिक शुरुआत से लेकर एंड तक बिना स्किप किए यदि आपने देख लिया तो आपको माइंडसेट हो जाएगा कि नहीं, एडवांस मैथ्स बहुत सरल है। ठीक, वास्तव में आपको हर कोई जो मेन पार्ट है इसका जो समझने वाला वो एकदम से समझा नहीं पाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पर चले जाते हैं, इसलिए आपको कठिन लगता है। ठीक है, यदि किसी भी काम को सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे, जीरो से स्टार्ट करेंगे, तो वो काम 100% आपका परफेक्ट होगा और अच्छी तरीके से समझ में भी आएगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करें बिना टाइम वेस्ट किए, और एडवांस मैथ्स में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे क्षेत्रफल एरिया, जिसमें आज वाली जो क्लास है इसमें आपको पूरा ए टू जेड क्लियर करूंगा। किसके बारे में? तो त्रिभुज के बारे में, मतलब ट्रायंगल के बारे में। ट्रायंगल से बहुत सारे क्वेश्चन फॉरेस्ट गार्ड की एग्जाम में पूछे गए हैं, पूछे जा रहे हैं। ठीक है, जिनकी एग्जाम बाकी है थोड़ा सा अवेयर हो जाए और इस वीडियो को ध्यान से देख ले। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करें, और आज का ये वाला जो पार्ट है एकदम बेसिक पार्ट है, सबसे पहले बेसिक बताऊंगा उसके बाद क्वेश्चन को लूंगा। ठीक, चलिए, तो यहां पर सबसे पहले मैंने यहां पर लिखा है कि तीन टाइप के त्रिभुज लिखे हैं, उनके नाम लिखे हैं, उधर त्रिभुज की आकृतियां बनी हुई, राइट। बस इनको यहाँ पे शुरुआत का जो 5-10 मिनट का जो पार्ट है उसको बेहतरीन तरीके से समझ लेना है, उसके बाद में हर क्वेश्चन आपको एकदम आसानी से बन जाएगा। ठीक, तो सबसे पहला जो त्रिभुज है, ट्रायंगल है, वो है सामान्य त्रिभुज। ठीक है, सामान्य त्रिभुज मतलब जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो सकती है। ठीक है, समान समान नहीं होगी, अलग अलग होगी। ठीक, तो इस टाइप का यह सामान्य त्रिभुज है। अब सामान्य त्रिभुज में क्या होता है, क्षेत्रफल निकालने के लिए बोलेंगे तो आपको दो तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, दो तरीके से आपको एरिया निकालने के लिए, फाइंड करने के लिए बोल सकते हैं। सबसे पहली तो ये कि जब तीनों भुजाएं आपको दी हो, सबसे पहला क्षेत्रफल आपको कब निकालना है, जब तीनों भुजाएं आपको दी है, मतलब यहां पर ये दिया हुआ है ए और ये बी और ये सी, ये तीनों भुजाएं आपको दी है। अब एक की जगह दो हो सकता है, चार हो सकता है, पांच हो सकता है, जो भी हो सकता है। ठीक है, अभी केवल बेसिक फंडे क्लियर कर रहा हूं। तो ए बी सी तीनों भुजाएं जब दी है तो उस टाइम आपको क्षेत्रफल कैसे निकालना है, तो उस टाइम आपको क्षेत्रफल निकालना है ये वाला, ये ध्यान से देखना है क्षेत्रफल। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है, तो इस क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी अर्ध परिमाप की। किसकी? अर्ध परिमाप की। तो अर्ध परिमाप सबसे पहले यहां पर लिख दे रहा हूं, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, परिमाप। ठीक है, और इसी अर्ध परिमाप से परिमाप भी निकल जाएगा, पूरा परिमाप भी निकल जाएगा पूर्ण। ठीक है, तो अर्ध परिमाप क्या होगा इसका, तो सिंपल है कि जितनी भी भुजाएं आपको दी है उन सभी को जोड़ दो, दो से डिवाइड कर दो। क्यों? क्योंकि यहां पे क्या बोला है, अर्ध परिमाप बोला है, मतलब आधा बोला है, तो यहां पे इन सबको जोड़ो, तो सभी भुजाएं क्या है, ए प्लस बी प्लस सी है, और अपॉन में कितना है, टू, क्योंकि इस यहां पे लिखा है अर्ध परिमाप। ठीक है, तो इसको हम डिनोट किससे करते हैं, तो इसको एस से डिनोट करते हैं, किससे, एस से, राइट। अब पूरे परिमाप की हम बात करें तो क्या होगा, तो पूरा परिमाप होगा यहां पे ये एस, ये 2 इधर ले आओ, ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, तो यहां पे 2s इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ये होता है पूर्ण परिमाप। ठीक है, त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा। ठीक है, ये वाला क्या है, अर्ध परिमाप। इतना क्लियर है, जब तीनों भुजाएं दी है, तो अब ये आपके पास है तो आप त्रिभुज का क्षेत्रफल आराम से निकाल सकते हैं, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। क्या करना है आपको, सिंपल है, आपका पढ़ा हुआ कॉन्सेप्ट है ये पूरा। ठीक है, s इज इक्वल टू s, यहां पे कोष्टक में s माइनस a, फिर s माइनस b और s माइनस c, बस इतना कर लेना है। ठीक, ये यहां पर कर लिया, ये यदि आपके माइंड में है तो बहुत आसानी से इस टाइप के त्रिभुज का क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर हुआ सबसे पहला फंडा। और एक जो बेसिक फंडा है जो आपको सभी को पता है वो ये है कि जब तीनों भुजाएं ना दी हो और केवल एक भुजा आपको दी हो, अब उसमें से एक भुजा कोई सी भी हो सकती है, ठीक है, एक भुजा आपको दी है और उसकी ऊंचाई आपको दी है, तो उस टाइम आपको क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या करेंगे, ये आपको अलग से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको आता है, ये होता है 1/2 आधार, आधार गुणित ऊंचाई। ठीक है, आधार गुणित ऊंचाई, ये होता है। ठीक, ये सामान्य फॉर्मूला है,
क्लियर है। तो इस तरीके से यहां पे ये सभी को पता रहता है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। ठीक है, जब भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोले तो हर कोई 99% लोग सबसे पहले इसी को लगाएंगे, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। ठीक है, लेकिन जब तीनों भुजाएं यहां पर दी हो, ए बी और ये सी यहां पर दिया हो, तो उस टाइम इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्लियर रहता। तो अब ये पहला वाला त्रिभुज हुआ सामान्य त्रिभुज। अब इसके बाद में हम बात करें यहां पर किसकी, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, समद्विबाहु बाद में, समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं क्या है, यहां पर बराबर है। ठीक है, अब तीनों भुजाएं बराबर है तो उस टाइम उसका क्षेत्रफल कैसे निकालना है। ठीक, तो यहां पर कैसे निकालेंगे, तो इसका क्षेत्रफल लिखें, क्षेत्रफल ध्यान से देखते जाना। ठीक है, इसका क्षेत्रफल लिखना है क्या, तो इसका क्षेत्रफल आपको ध्यान रखना है 3/4 होगा, इनटू क्या होगा, भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। यहां पे लिख दे रहा हूं मैं भुजा और इसका स्क्वायर। तो भुजा क्या है यहां पे सबकी, यहां पे ए ए और ए मान ले तो यहां पे ए स्क्वायर आएगा। ठीक है, बी भी रहेगी तो बी स्क्वायर आएगा। ठीक, तो इस तरीके से यहां पर यह है इसका क्षेत्रफल। ठीक है, लेकिन यहां पर आपको क्षेत्रफल निकालने के लिए न देकर इसकी ऊंचाई निकालने की भी जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, ऊंचाई निकालने के लिए बोल दिया तो फिर क्या करेंगे, तो यहां पर इसकी ऊंचाई निकालना है तो क्या करना है, ऊंचाई, ऊंचाई निकालने के लिए सिंपल फंडा है। ठीक है, ये आपको बुक में इतना आसानी से नहीं मिलेगा जो मैं बता रहा हूं यहां पर। तो यहां पर क्या होगा कि ये जो √3 है, इस √3 को 3 रहने दो, और जो यहां पर 4 है 4 को आधा कर दो, 2 कर दो, और ये भुजा का स्क्वायर है तो केवल भुजा कर दो, सिर्फ और सिर्फ क्या कर दो, भुजा, बस ये है। या फिर भुजा की जगह यहां पर क्या लिख सकते हैं अपन, ए ए ए हमने लिया तो ए केवल ले ले। ठीक है, और इसको यहां पे ए स्क्वायर मान सकते हैं, इतना क्लियर है। तो ये बेसिक फंडा है। और उसके बाद में लास्ट में यहां पर देखें तो समद्विबाहु त्रिभुज। अब समद्विबाहु त्रिभुज क्या है, ठीक है, जिसकी दो भुजाएं क्या है, समान है, तीसरी भुजा अलग है। ठीक है, ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। और अधिकतर 99% केस में इन तीनों से जुड़े हुए प्रश्न ही आपको एग्जाम में मिलते हैं, राइट। ये तो इसके बारे में यहाँ पे देख लें, समद्विबाहु त्रिभुज इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए यहाँ पे आपके पास क्या फॉर्मूला है, क्षेत्रफल, ठीक, क्षेत्रफल सम इसका यहाँ पे हो सकता है कर्ण इसका स्क्वायर बटे में 2। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बटे में 2 ये, या फिर यहाँ पे लंब दिया है तो लंब का स्क्वायर बटे में 2, और बराबर में यहाँ पे आधार यदि दिया हुआ है तो आधार का स्क्वायर और बटे में 2। एक तो ये इसका कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है तो इससे आसानी से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, जब प्रश्नों को हम हल करेंगे तो सारे सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो बेसिक बेसिक फंडे हैं ये वाले, बस इतना केवल आपने ध्यान रख लिया तो आपका त्रिभुज से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न गलत बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, 100% एकदम करेक्ट जाएगा। क्लियर है इतना। तो अब यहाँ पर देख ले, और यदि यहाँ पे ये बोल दे कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, समकोण त्रिभुज दे दिया यहाँ पे ये वाला, तो उसमें क्या करेंगे, तो उसमें सिंपल है कि ये वाला लग जाएगा, कौन सा, जो बेसिक फॉर्मूला है ये वाला। ठीक है, ए बी और सी, यहाँ पर ये वाला आसानी से आप लगा के हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, इसको अलग से कोई देखने की जरूरत नहीं है। क्लियर इतना। चलिए, तो इसको सबसे पहले लिख ले यहाँ पर, या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख ले ताकि आपको आगे जब क्वेश्चन करेंगे तो फटाफट देखने में काम आएगा। ठीक है, और बार बार देखते रहेंगे, बार बार देखते रहेंगे तो अपने आप याद होगा, इसको कोई रटने की जरूरत नहीं, बार बार से ऐसा याद करने की, यहाँ पे तो क्षेत्रफल बराबर √3/4 भुजा का स्क्वायर, बार बार बोले जा रहे बोले जा रहे, बार बार बोलने की जरूरत नहीं, बार बार क्वेश्चन ही कर लो तो ज़्यादा अच्छा है, प्रैक्टिस भी हो जाएगी, याद भी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये वाला जो प्रश्न है, ये पहला प्रश्न है इस क्लास का। ठीक है, और इसको ध्यान से समझ लें एक बार, उसके बाद में इसको हल करें, बहुत आसानी से ये सवाल हो जाएगा। ठीक, चलिए देखें, तो किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 15 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर एवं 14 सेंटीमीटर हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्या निकालना है आपको, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये त्रिभुज दिया हुआ है, इसकी एक भुजा 15 सेंटीमीटर, दूसरी वाली 13 सेंटीमीटर और तीसरी वाली 14 सेंटीमीटर है। अब आपको ये पता है कि जब त्रिभुज के किसी भी त्रिभुज की यदि तीनों भुजाएँ आपको दी हुई है, ठीक, किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएँ आपको दी है, तो उस टाइम उसका क्षेत्रफल कैसे निकालना है और उसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, पहले अर्ध परिमाप की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे त्रिभुज का अर्ध परिमाप, अब यहाँ पे इसको S से हम डिनोट करते हैं, तो S इज इक्वल टू होगा A प्लस बी प्लस सी, ये होता है, और बटे में क्या आएगा, 2 आएगा। क्लियर रहता। अब इसके बाद फिर यहाँ पर ये देखें कि इसको निकालें
तो इस यहाँ पे एबीसी रख लो इन सबको जोड़कर, तो इन सबको यहाँ पे हम जोड़ लेते हैं, तो ए कितना है 15 है, फिर कितना है 13 है, और फिर कितना है 14 है, और बटे में कितना आएगा 2। तो हल करो इसको, तो यहाँ पे 5 और 4 कितना होगा 9 होगा, और 9 और 3 कितना है 12, ये एक असिल, ठीक है, ये 1, 2, 3 और 1, 4 42 हुआ, बटे में कितना आएगा 2, तो 2 दूना 4 और 2 एकम 2 कितना आया 21, ठीक है, कितना आया 21, ठीक। तो इस तरीके से एस आपको मिला 21। तो अब क्षेत्रफल इसका निकाल लें, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल ये, अब इसका फॉर्मूला क्या है, तो ये आपको पता है, एस माइनस ए, एस कोष्टक में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये है, ठीक है। इसको बार बार पढ़ते रहने से ये वाला फॉर्मूला ऐसे ही आपको याद रहेगा, तो फिर बाद में ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ये लिखना है ना ये लिखना है, सीधा काम करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख लें, और यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करें, तो एस कितना है 21 है, ठीक है 21 रखो यहाँ पे, और एस माइनस ए कितना है, तो एस है 21, ठीक 21 माइनस ए कितना है, तो ए यहाँ पर कितना है 15 है, यहाँ पे ये ए बी सी, तो ए 15 है, ठीक 15। उसके बाद एस माइनस बी है, तो एस 21 है, और बी कितना है 13 है 13, और फिर से एस 21 है, और सी कितना है तो 14 है, ठीक इतना हो गया। अब इसके बाद फिर यहाँ पे इसको 21 को 21 ही रहने दो, और यहाँ पर इसमें से इसको माइनस करो, तो 21 माइनस ये 15 कर दो, तो कितना आएगा यहाँ पे 5 और 1 6 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे 21 माइनस 13 करो, तो कितना आएगा, तो यहाँ पे 7 और 1, तो कितना आएगा 8, ठीक है। और 21 माइनस 14 करो, तो कितना आएगा 6 और 1 7, ठीक इस तरीके से यहाँ पे ही आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, इनको फैक्टर कर लो, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ पर मिस्टेक कर जाते हैं कि इनका सबका गुणा कर देते हैं, तो गुणा नहीं करना है, गुणा करोगे तो फिर से वर्गमूल निकालना पड़ेगा, टाइम काफ़ी ले जाएगा, तो यहाँ पे इनका फैक्टर कर लो डायरेक्ट, तो फैक्टर बहुत आसानी से हो जाएंगे। इसे क्या है, 21 को 7 × 3 ले सकते हैं, 7 × 21, और इसको 2 × 3 कर सकते हैं 6 को, और इधर 4 को यहाँ पे 2 × 2 × 2 कर सकते हैं, और गुणित क्या है इधर की साइड, ये 7 है, ठीक है। अब जोड़ा बना के निकाल लो, 7 कितनी बार है 1 और 2 बार है, तो यहाँ पे बराबर 7 को 1 बार निकालो बाहर, जोड़ा बन गया एक, 3 और 3 का 1 जोड़ा बना, तो 1 3 बाहर निकालो, ठीक है। फिर 1 ये 2 1 ये 2 2 1 बाहर निकालो, फिर यहाँ पे ये वाले 2 का 1 जोड़ा बना 2 का 1 जोड़ा, तो ये 2 बाहर, ठीक है। बस अब गुणा कर लो, तो यहाँ पे 2 × 2 = 4 4 × 3 = 12 और 12 × 7 = 84, ठीक है 12 × 7 = 84 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया, ठीक। तो इस तरीके से आंसर बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, बस ये है कि एडवांस मैथ्स में आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी, थोड़ी सी ज़्यादा प्रैक्टिस करने का फ़ायदा ये है कि ये वाला जो यहाँ पे हमने सब कुछ किया है, ये आधे मिनट के अंदर अंदर आपको समेटना है पूरा, और आराम से निकलेगा, आधे मिनट के अंदर अंदर आराम से निकल जाएगा। यहाँ पर बोर्ड पे टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि मुझे समझाना है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो नए हैं जिनको एडवांस मैथ्स नहीं आता है, या फिर जिनकी मैथ्स थोड़ी कमज़ोर है, तो उनको दिक्कत आ जाती है, ठीक, इसलिए एक एक चीज़ पूरा लिख के बता रहा हूँ, बाकी ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इस तरीके से अब इसके बाद ये सबसे पहले ये प्रश्न लिख लें, उसके बाद में अगला प्रश्न लेते हैं, और अगला वाला प्रश्न वीडियो को रोककर आपको खुद को करना है, उसके बाद फिर यहाँ पर देखना है, राइट, अपना आंसर मिलाना। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर 2 प्रश्न आपके सामने यहाँ पर लिखे हुए हैं, और इसमें अभी जैसा मैंने बोला था कि सबसे पहले आपको इस वीडियो को रोकना है, पोस्ट करना है, उसके बाद इस प्रश्न को पढ़ के आपको खुद को आंसर निकालना है, और खुद ने यदि आंसर निकाल लिया है तो अब यहाँ पर देखें बोर्ड पर अपना आंसर मिलाएं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या बोला है कि एक त्रिभुज की कोई एक भुजा 12 सेंटीमीटर है, कोई भी एक भुजा कितनी है 12 सेंटीमीटर हमने ले ली, ठीक है। उसके बाद और इस भुजा से त्रिभुज की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो इस भुजा से त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है, तो यहाँ पे h बराबर कितना दिया है 8 सेंटीमीटर, ठीक है 8 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये लिया। अब उसके बाद फिर यहाँ पर बोला है कि तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको निकालना है। चलिए, सिंपल फंडा है, यहाँ पर सिंपल वाला सूत्र लगा देना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 × आधार × ऊंचाई, ठीक है। ये हुआ
अब इसके बाद यहाँ पे एक बटा दो लगा लें, आधार कितना है तो 12 है तो यहाँ पर रखें 12, और ऊंचाई कितनी है तो ऊंचाई आपको दी हुई है 8, तो यहाँ पे रखें 8, दो से काट लो, दो छंग 12, ठीक है 8 यहाँ पे है, दो छंग 12, तो आपका आंसर कितना आ गया, तो 648, तो 48 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या आया आपका क्षेत्रफल निकाला है, ठीक है ये निकला है। तो इस तरीके से ऐसे प्रश्नों को बहुत सिंपल तरीके से आराम से हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत कहां पर आती है, जब दूसरा वाला प्रश्न आप पढ़ोगे तो इसमें दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। तो यहां पर ये वाले प्रश्न में अधिकतर लोगों को दिक्कत आती है, 90% लोग इसको समझ नहीं पाते हैं कि करना कैसे है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, अभी बताऊंगा उसके बाद में, इस टाइप के जितने भी प्रश्न आएंगे आप बहुत आसानी से कर पाएंगे इसको, ठीक है। चलिए तो यहां पर इसको सबसे पहले लिख लें, उसके बाद इसको हटा दें यहां से, उसके बाद इस प्रश्न को यहां पर हल करेंगे, क्लियर है, क्योंकि यहां पर नीचे तो कोई जगह है नहीं। चलिए हटा लें इसको, लिख लें पहले इसको, हाँ। चलिए अब दूसरे अगले वाले प्रश्न में यहां पर क्या बोला है थोड़ा सा समझने की कोशिश करना है, ठीक है। प्रश्न को सबसे पहले समझना है उसके बाद करना है। तो यहां पर बोला है कि 12 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर और 26 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं का के मध्य बिंदुओं को मिलाया गया। तो यहाँ पर क्या है कि पहले एक बड़ा सा त्रिभुज बना ले अपन, यहाँ पे ये है, थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूँ मैं, ठीक है इस तरीके से। ये तो ये ए बी और ये सी, ये क्या है, एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं आपको दी हुई है 12 सेंटीमीटर, 18 और 26। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि ये 12 है, ये 18 है और ये कितना है 26 है, ठीक है इतना ये दिया हुआ है। अब इसके बाद में यहाँ पर फिर आगे क्या बोला है वो काम करते हैं। तो आगे ये बोला है कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाया गया, ठीक है। अब त्रिभुज के तीनों भुजाएं एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, ठीक है, तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाया गया। मध्य बिंदु मतलब एक ये वाला, ठीक है, इधर इसका ये वाला और इसका ये वाला, इनको तीनों को मिलाया गया। तो तीनों को मिला दो, सबसे पहले इस बिंदु से इस बिंदु को मिला, इस बिंदु से यहाँ पर मिलाया और इस बिंदु से इस बिंदु को मिला दिया, ठीक है। अब इनको मिलाने पर हमें यह मालूम पड़ा कि इसके अंदर भी एक त्रिभुज बन गया, राइट, त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज बन गया यहां पर, यह है। तो आगे क्या बोला है, इससे ठीक बीच में बने त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो ठीक बीच में ये वाला जो त्रिभुज बना है, ये वाला, इसका एरिया कितना होगा ये आपको बताना है, ठीक है। सिंपल फंडा है, जब भी ऐसी कंडीशन आए तो आप एक बात हमेशा याद रखना है, क्या, कि जो भी त्रिभुज एक बड़ा है उसके अंदर यदि कोई त्रिभुज बना है तो उसके अंदर वाले त्रिभुज की जो भुजाएं हैं वो बाहर वाले त्रिभुज की भुजाओं का जस्ट आधा होता है, ठीक है, जस्ट आधा होता है, क्लियर है। तो यहां पर लिख लेना है आपको कि यहां पे 26 है तो ये वाली जो भुजा है ये कितनी होगी, तो यहां पर 26 का आधा कितना 13, 12 है तो 12 का आधा कितना 6, ठीक है, और यहां पर 18 है तो 18 का आधा कितना 9, इस तरीके से यहां पर इसको लिख लेना है। और जब ये वाला आप लिख लोगे तो 100% आपके माइंड से क्लियर हो जाएगा करना कैसे है, ठीक है, सबसे पहले वाला प्रश्न हमने किया था। चलिए जब तीनों भुजाएं दी हो, एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हो तो इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो हमें सबसे पहले जरूरत पड़ेगी किसकी, ए बी सी की, मतलब यहाँ पे अर्ध परिमाप एस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, ये अर्ध परिमाप है, ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2 हमने लिखा था, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी सी कितना है, तो 13 है, 6 है और 9 है, तो 13 प्लस 6 प्लस 9 अपॉन में कितना है 2 बटे में कितना 2, जोड़ लो इन सबको, ठीक है। तो जोड़ेंगे कितना होगा, यहाँ पे 9 है, 9 को ये 6 में जोड़ो तो कितना 15, 15 और 3 कितना होगा 18, ठीक है, 18 के 8 एक असिल, एक और एक कितना होगा 2, 28 आया, और यहाँ पे कितना आएगा 2, ठीक है 2 आएगा, 2 से 100 काट लो कितना आएगा 14 आएगा। तो यहाँ पर कितना ये 14 सेंटीमीटर क्या है आपका एस मिला। एस क्यों निकालना जरूरी था, क्योंकि क्षेत्रफल हमें निकालना है तो एस निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्षेत्रफल क्या होगा, तो देख लो यहाँ पे इसको, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, जब तीनों भुजाएं आपको पता है तब यहाँ पर बड़ा सा फॉर्मूला लगाना है, एक ये वाला, आपको बार बार लिखना नहीं, बस ये प्रैक्टिस करना है इसको, एस एस माइनस ए, उसके बाद एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये है। तो अब यहाँ पर क्या है, एस कितना है 14 है, तो यहाँ पर लिखना है 14, एस माइनस ए, तो यहाँ पर कितना है 14, एस कितना है 14 है, माइनस ए कितना है, तो ए यहाँ पे 13 ले लो, ठीक है 13, और फिर से एस 14, माइनस बी कितना है तो 6 ले लो यहाँ पे 6, फिर यहाँ पे एस कितना है तो 14 है, फिर ये सी कितना है तो सी यहाँ पे 9 ले लो, ठीक, इस तरीके से यहाँ पे लिख लिया, राइट। अब
यहां पर आप चाहो तो सीधे घटा के भी लिख सकते हैं, कोई जरूरत ऐसा नहीं है कि यहां पे सब लिखना ही है, ठीक है। तो यहां पे क्या है कि यहां से आपको पता है s माइनस a, इसमें से इसको घटा लो और यहां पे लिख दो, ठीक है। इसमें से यहां पे फिर s माइनस b है तो इसमें 14 में से 6 को घटा लो, यहां पे लिख लो, डायरेक्ट ही करना है आपको। बस ये है कि यहां पे हर किसी को समझ में आए इसलिए मैं पूरा बता रहा हूं, ठीक है। चलिए तो अब यहां पर आगे बढ़े और देखें तो यहां पे सबसे पहले 14 है, 14 माइनस 13 करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। और यहां पे इसमें 14 में से किसको 6 को माइनस करेंगे, ठीक है, तो कितना यहां पे आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। 8 और 6 कितना होता है, 14 होता है। अब इसके बाद में फिर यहां पे 14 माइनस 9 करेंगे कितना आएगा, 5 आएगा। तो इस तरीके से यहां पे ये हमने घटा लिया। अब इसको तोड़ लो, ठीक है, तोड़ लो या फिर गुणा कर लो, जो भी करना चाहे कर सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम यदि हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 8 × 5 = 40 होता है, ठीक है, 40। और ये 40 का इसमें गुणा कर लो तो 4 × 4 = 16, ठीक है, 416। उसके बाद में 4 × 4 और 1 × 5 और 1 × 0, 560 आएगा यहाँ पे। अब 560 किसका स्क्वायर हो सकता है, इसका स्क्वायर रूट क्या निकलेगा, थोड़ा सा आप ये देखें। तो 560 25 का कितना होता है, 25 का 625 होता है, मतलब 25 से तो कम आएगा, ठीक है, 25 से कम आएगा। तो किसका आएगा, 21 का कितना होता है, 441 होता है, ठीक है। 21 का कितना होता है, 21 का करेंगे हम स्क्वायर तो यहाँ पे 441 आता है। और 25 का करेंगे कितना आएगा, तो 2 यहाँ पे 625 आएगा, इन दोनों के बीच में है, ठीक है, इन दोनों के बीच में यहाँ पे। तो 22 का करेंगे तो 484 आएगा, तो यहाँ पे फिर भी कम पड़ेगा 484। इसका मतलब ये 100% किसका है, 23 का है, तो 23 का फिक्स नहीं है, ठीक है, 23 का फिक्स नहीं है। 23 का यदि हम स्क्वायर करते हैं तो क्या निकलता है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 6, उसके बाद में 4, 3 × 6 = 12, तो यहाँ पे 6 और यहाँ पे इधर ये 2 और यहाँ पे इधर ये कितना 5, तो 526 होता है, ये 560 है, ठीक है। मतलब 13 से ये 23 से थोड़ा सा पॉइंट में ज़्यादा है, तो पॉइंट में यहाँ पे लगा दो आप कुछ भी, यहाँ पे 23 लगा दो, 25 लगा दो, ये लगा सकते हैं। आंसर आपका 100% चार ऑप्शन में से एक मिल जाएगा, पकड़ में आ जाएगा, ठीक है। ये है, अब इस तरीके से यहाँ पे इसका जो एरिया है ये निकल गया इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, 23.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पॉइंट में 5 की जगह 7 हो सकता है, इस तरीके से हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा अनुमानिक लिखा है, ठीक, इस तरीके से। तो क्लियर हुआ इतना। अब यहाँ पर ये वाला प्रश्न जब क्लियर हुआ है तो इस टाइप के प्रश्न आराम से हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब यदि आपको और भी कुछ प्रॉब्लम है और आपको ऐसा लगता है कि सर ये वाले प्रश्न भी आप इसमें ऐड करें या फिर इस प्रश्न पर भी आप एक वीडियो बनाएं, जो आपके पास कुछ अलग है प्रश्न, ठीक है, वो भी आप बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, जो जरूर उस पर हम बनाएंगे यदि आप बोले तो, ठीक है। तो ये एक बार लिख लें इसको एक बार में, अब ये लिखने के बाद में फिर आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए तो दोस्तों यहाँ पर दो प्रश्न फिर से आपके सामने यहाँ पर लिखे हैं और अब है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें कैसे निकालना है, किस तरीके से करना है, ये सब कुछ यहाँ पर देखेंगे हम, ठीक। अब यहाँ पर सबसे पहला वाला जो प्रश्न है, सिंपल सिंपल प्रश्न है, एकदम से उड़ा दो इसको। बस ये है कि जो बेसिक फंडा आपने पहले देखा है, पहले 9 मिनट में मैंने जो बेसिक फंडा बताया उसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर पहला प्रश्न क्या लिखा है कि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 8 सेंटीमीटर है। किसी समबाहु त्रिभुज, ये समबाहु त्रिभुज आपके सामने लिखा हो जिसके चारों भुजाएं कैसी है, समान है, ठीक है। ये तो इसकी भुजा, प्रत्येक भुजा कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर ये 8 है, ये भी 8 है और ये भी कितनी है, 8 सेंटीमीटर है, सबकी सब 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे ये इसको ध्यान रखना है। तो फिर आगे क्या बोला है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब त्रिभुज का एरिया आपको निकालना है, फाइंड करना है, क्लियर है। तो देखो यहाँ पे निकालो क्या है, तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, और कौन सा त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज की बात कर रहा हूं, ठीक है, समबाहु जिसकी सभी भुजाएं कैसी हो, समान हो, तो उसका होता है एरिया √3/4 ए का स्क्वायर। ए मतलब क्या है, भुजा का स्क्वायर, राइट। तो ये इतना हुआ। अब इसके बाद अब देखो यहां पर, तो यहां पे हम रख लें इसको आगे √3/4 ठीक है, बटे में यहां पे 4 है, तो √3/4 गुणित त्रिभुज का एक भुजा कितनी है, हर एक भुजा कितनी, 8 सेंटीमीटर है, तो यहां पे स्क्वायर है, तो यहां पे 8 का स्क्वायर करके लिख देंगे, 8 का स्क्वायर। अब 8 का स्क्वायर यहां पे लिखने की जरूरत नहीं है, तो हम सीधे सीधे क्या कर देंगे, 8 × 8 कर देंगे, दो बार लिख लो, ठीक है, स्क्वायर है तो दो बार लिखा,
ठीक। अब चार से इसको काट लो तो चार दुना क्या होगा, आठ होगा, ठीक है। आठ दुना कितना होगा, सोलह होगा। तो यहाँ पर इसका आंसर कितना जाएगा, सोलह रूट तीन, ठीक है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया कंप्लीट। इस तरीके से आप आसानी से इसको मौखिक तौर पे भी कर सकते हैं यदि थोड़ा सा प्रैक्टिस करें तो, ठीक। इस तरीके अब ये हुआ, ये करने के बाद में इसको एक बार लिख लें, लिखने के बाद में दूसरा वाला प्रश्न पढ़ें और इसको आप खुद इसको हल करें, उसके बाद फिर यहाँ पर बोर्ड पर देखें, ठीक। और अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ये वाला जो प्रश्न है ठीक वैसा ही है इसके जैसा, ठीक है। इसमें क्या बोला है ये देख लें, तो यहाँ पर यह बोला है कि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आपको एरिया यहाँ पर दे दिया है, क्षेत्रफल आपको दे दिया है। तो समबाहु त्रिभुज का इसी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। समबाहु त्रिभुज तो इसका एरिया आपको दिया हुआ है, क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है कितना, तो यहाँ पर है 25, आपको सूत्र क्या है, सूत्र √3 बटे में 4 और ए स्क्वायर ये होता है, लेकिन इसका मान तो आपको दिया हुआ है क्षेत्रफल, ये भी क्षेत्रफल है, ये भी क्षेत्रफल है, तो ये दोनों बराबर है, तो यहाँ पे बराबर ही लिख लो कितना है 25 अंडर रूट कितना है 3, ये हुआ। अब √3 से √3 जाएगा ये, ठीक है, और 25 का इसमें गुणा करो कितना आएगा, 100 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ए स्क्वायर बराबर कितना आएगा, 100 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये उधर जाएगा तो रूट लगेगा इसके ऊपर 100 के ऊपर, तो यहाँ से इसको हटाओ और इधर के लगा लो, रूट लगा लो, क्लियर इतना। अब यहाँ पे जरा सा भी डाउट हो वीडियो को थोड़ा सा रिवाइज करें और देख लें, ठीक है। यहाँ पर मैं पूरा लिख देता हूँ, यहाँ पे ए स्क्वायर बराबर ये, तो ए बराबर कितना आएगा अंडर रूट में कितना आएगा 100। अब बराबर में यहाँ पे इसको निकालेंगे तो 10 आएगा, तो 10 सेंटीमीटर इसकी हर एक भुजा, ठीक है, इस समबाहु त्रिभुज की हर एक भुजा कितने सेंटीमीटर की है, तो 10 सेंटीमीटर की है। इतने इसकी कितनी थी, 8 सेंटीमीटर इसकी दी हुई थी, एरिया निकालना था, इसका एरिया दिया हुआ है, आपको भुजा निकालना है। इस तरीके से घुमा फिरा के आपको प्रश्न दे सकते हैं, राइट। तो ये यहाँ पे तो यहाँ पर दो प्रश्न यहाँ पर लिखे आपके सामने फिर से, ठीक है। अब इसमें पहला वाला प्रश्न क्या कहता है कि एक समकोण त्रिभुज का लंब 6 सेंटीमीटर और आधार 8 सेंटीमीटर है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज बना ले, तो ये यहाँ पर क्या है, एक समकोण त्रिभुज बन गया, ठीक है, जिसका एक कोण कितना है 90 डिग्री का है, ठीक है। तो ये ए और ये बी और ये सी है, ठीक। तो इसका लंब कितना है, 6 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, और इसका आधार कितना है, तो आधार है 8 सेंटीमीटर, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो निकालना क्या है, तो कर्ण की लंबाई याद कीजिए, तो लंब है ये आधार है और ये कर्ण है, ठीक है, ये कर्ण, तो इसकी लंबाई आपको क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसको यहाँ पर मान लेते हैं क्या है, x है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लें कैसे निकालना, सिंपल फंडा है, ठीक है, दसवीं में खूब करें इसको, आठवीं नवीं भी काफ़ी करें, ठीक। क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम सीधी लगा देना है और इसको हल कर लेना है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, या प्रमेय, ठीक, ये लगा देना है। तो क्या होता है ये, तो ये कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही होता है, ठीक है। तो कर्ण आपको निकालना है, कर्ण को लिया है x, तो x स्क्वायर बराबर क्या है, तो x स्क्वायर बराबर यहाँ पे लंब कितना है 6 है, तो 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 होगा, ठीक है, प्लस आधार का स्क्वायर कितना होगा 8 का 8, ये 64 हो जाएगा 8 का, ठीक है, ये। तो इस तरीके से स्क्वायर करके सीधा लिखा है, 6 का 6 में 36 और 8 का स्क्वायर कितना, ये 64 हुआ, ठीक है, 64। अब यहाँ पे x हटाना है, यहाँ पे x स्क्वायर, तो स्क्वायर यहाँ से हटा लेना है और यहाँ पे रूट लगा देना है पहले, ठीक। अब यहाँ पर देखना है, इन दोनों को जोड़ देना है, तो आप यहाँ पे इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना मिलेगा आपको, 100 मिलेगा, ठीक है। अब रूट के बाहर इसको निकालना है, वर्गमूल इसका निकलेगा कितना निकलेगा, तो x बराबर कितना निकलेगा 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है कि जो कर्ण है ये वाला, ये कितना आया आपका 10 सेंटीमीटर, क्लियर है। बड़ी आसानी से इस टाइप के सवालों को हल करना है, राइट। अब इसके बाद में बढ़ते हैं आगे, और अगला वाला प्रश्न यहाँ पर देखो ध्यान से इसको, इसमें लिखा हुआ है कि किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण 10√2 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहां पर क्या बोला है कि यहां पर समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, यहां पर केवल समकोण त्रिभुज है, केवल समकोण त्रिभुज में क्या लगेगा, पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी, लेकिन समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगाना है, याद रखना है, ठीक है। तो ये तो पहले इसको लिख लें एक बार, इसको हटाएं, उसके बाद में फिर इसी प्रश्न को यहां पर हल करें, राइट। त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या है, बराबर है और समकोण भी है, राइट। तो इस तरीके से यहां पे अब दो भुजाएं बराबर कैसे हो सकती है समकोण में, तो यहां पर देख लो, ये त्रिभुज है, ये है,
ठीक है, और यहाँ पे एक भुजा ये है। अब यहाँ पे दो भुजाएं बराबर हो सकती है, कौन सी, एक ये वाले एक ये वाले। कर्ण कभी भी बराबर नहीं होगा, कर्ण वही चीज रहेगी जो सबसे लंबी भुजा है वो होगी, उसी को ही हम कर्ण बोलेंगे, तो वो तो दोनों के बराबर नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे ये दोनों भुजाएं कैसी है, ये बराबर है। ठीक है, तो ए बी और सी, तो यहां पर आपको दिया हुआ क्या है, थोड़ा सा ये देख लें। तो यहाँ पे किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण 10√2 सेंटीमीटर है, तो ये कर्ण आपको दिया हुआ है 10√2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उसका लंब और आधार ज्ञात करें, लंब भी निकालना है ये वाला और आधार भी निकालना है। ठीक है, तो यहां पर ये लंब है तो इसको x ले लें और इसको y लिख लें। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई जरूरत नहीं कि x y ही लिखना। अब यहां पर हमें पता है कि लंब का, लंब या फिर आधार बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर या आधार का स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो बराबर यहां पर ये होता है कि कर्ण का स्क्वायर बटे में दो, कर्ण का स्क्वायर बटे में दो ये होता है, मतलब लंब या आधार निकालो तो कर्ण का स्क्वायर बटे में दो रहेगा, तो लंब का स्क्वायर बराबर ये, तो 100, और यहां पे रूट दो का कितना आएगा, तो रूट दो का दो आएगा, बटे में कितना आएगा, दो आएगा। ठीक, दो से दो गया, ठीक इस तरीके से, तो यहाँ पे लंब स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा कितना आएगा, 100, तो बराबर कितना निकलेगा, 10। ठीक है, इतना सेंटीमीटर, तो लंब कितना आया, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आधार भी कितना आएगा, 10 सेंटीमीटर, क्यों, समद्विबाहु त्रिभुज है तो दोनों भुजाएं क्या है, बराबर बराबर है, 10, और ये भी कितना है, 10 सेंटीमीटर। क्लियर है, तो इस तरीके से यहाँ पर इसको आसानी से कर सकते हैं, बाकी कोई दिक्कत इसमें नहीं रहेगी। क्लियर इतना, चलिए तो ये वाला जो सेशन है, ये वाला जो क्लास है, बस यहां पर ही एंड करेंगे। लेकिन लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन है कि क्या यहां पर आपको कोई भी प्रॉब्लम हुई, कोई कॉन्सेप्ट समझने में या फिर कोई सवाल समझने में, यदि आपको हुई है तो आप कमेंट जरूर करें कि इसमें थोड़ी सी दिक्कत आई थी। ठीक है, और यदि आपको प्रॉब्लम है अभी भी तो भी कमेंट करें, और इस वीडियो में और क्या सुधारा जा सकता है थोड़ा सा ये भी सजेशन आप दें, ताकि इसमें इसकी क्वालिटी और हम बढ़ा सकें और एक से एक कंसेप्ट आपको दे पाए। ठीक है, तो दोस्तों लास्ट में इस वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जी दबा लें। ठीक, उसके बाद में इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पर, जहाँ पर भी शेयर करना चाहें आप कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में इसी टॉपिक के अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।